which is equal to total distance अपॉन टोटल टाइम। आपको जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो उस सबको आपको न्यूमरेटर में डाल लेना है, और वही डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको आपको डिनोमिनेटर में रख देना है। ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए कि आपको ये टोटल डिस्टेंस ट्वाइस डी कवर करना है। ठीक है, दिस इज हाफ डिस्टेंस डी एंड दिस इज हाफ डिस्टेंस डी। ठीक है, पहला जो हाफ डिस्टेंस डी है वो आप कवर कर रहे हो विथ स्पीड पी किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है डी वो आप कवर कर रहे हो एट अ स्पीड ऑफ क्यू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, फाइन। जैसे हमारा एवरेज स्पीड का इक्वेशन है वही पुट कर देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 2d। दिस इज योर टोटल डिस्टेंस 2d। ठीक है, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? मान लीजिए ये डिस्टेंस जो पहला वाला डी डिस्टेंस है वो कवर करने में tp टाइम लग रहा है, सेकेंड वाला डिस्टेंस कवर करने में tq टाइम लग रहा है। क्लियर? ठीक है, सो द टोटल टाइम विल बी tp प्लस tq। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो tp इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई टाइम, सॉरी डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई स्पीड पी, एंड व्हाट इज tq? डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई स्पीड क्यू। ठीक है, सो 2d डिवाइडेड बाई tp इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस tq इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई क्यू। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे से हम डी कॉमन कैंसिल निकाल लेते हैं, सो यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय, इसमें से हमने डी कॉमन निकाला, ऊपर के साथ कैंसिल कर दिया, सो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। दिस इज योर एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना है।